देखो यार, Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक नया थीम चाहिए, ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद पूरा फोन का लुक चेंज हो जाएगा। गूगल का फोल्डर हुआ, होम स्क्रीन हुआ, टूल्स का फोल्डर हुआ, सभी जगह आपको नया आइकन्स देखने को मिलता है। आइकन्स काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट आइकन है, आपका जो लुक है आइकन्स का सभी सेम आपको देखने को मिलता है। एक भी आइकन्स आपको इस आइकन पैक में मिसिंग नहीं देखने को मिलेगा, और देख सकते हैं एक भी आपको आइकन्स भी जो है मिसिंग नहीं देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और पूरा लुक जो है आइकन्स का काफ़ी कंसिस्टेंट लुक के साथ देखने को मिलता है। वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, विजेट चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो कंट्रोल सेंटर भी चेंज होता है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम कंट्रोल सेंटर है। MIUI 12.5 14 साइज में चेंज कर सकते हैं। ये थीम अप्लाई करने के बाद आपका कंट्रोल सेंटर, न्यू टाइप का टॉगल्स, न्यू टाइप का UI भी देखने को मिलता है। टॉप में आपको एक छोटा सा पोस्टर भी देखने को मिलता है। सेटिंग्स में भी आपको सेम जो पोस्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि ये थीम फ्रैंको एक कैरेक्टर गेम कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है। और फिर आपको जो है इसका सेटिंग्स का UI कंप्लीट चेंज के साथ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इसमें आपको दो टॉगल्स मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर थीम्स में मिसिंग होता है, कुछ थीम्स में ही नहीं मिसिंग होता, जो कि वो मिलना काफ़ी हार्ड है। और फिर आपको अबाउट फोन में भी चेंजेस देखना मिल जाएगा, और आपका डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है। जो चेंजेस है काफ़ी प्रीमियम चेंजेस है, और मतलब कहीं पे भी कमी आपको नहीं देखना मिलता। फिर आपका बचता क्या है, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में भी आपको चेंजेस देखना मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ देखना मिलता है। और ये थीम आपका बस डार्क मोड ही सपोर्ट करता है, आपका लाइट मोड इसमें सपोर्ट नहीं करता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी आपको सेम चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेपरेशन काफ़ी अच्छा है इस थीम का, UI चेंजेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, और आपका एडिशनल सेटिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। बैक जेस्चर कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, और देख सकते हैं आपको ओवरऑल काफ़ी नेक्स्ट लेवल लुक प्रोवाइड कर सकता है ये थीम अप्लाई करने के बाद। फिर डायलर मैसेजेस ऐप, अगर आपका MIUI का डायलर और मैसेजेस ऐप है तो वो भी चेंज हो जाएगा, अगर आपका नहीं है गूगल का डायलर और मैसेजेस ऐप है तो वो चेंज नहीं होने वाला है। फिर आपको वॉल्यूम स्लाइडर में भी चेंजेस जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, कहीं पर भी कमी नहीं है इस थीम में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर आपका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन आपको जो है ये पुराना वाला लॉक स्क्रीन बहुत पहले भी आपको और भी थीम्स पे देखने को मिला होगा, बट हाँ तब भी लॉक स्क्रीन भी अच्छा है, जो कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं रहा, और आपका सिंगल टैप में आपका जो म्यूज़िक का एल्बम आर्ट या पॉपअप होके जो है म्यूज़िक प्लेयर आ जाएगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। डबल टैप, ट्रिपल टैप, स्वाइप डाउन, स्वाइप अप, कुछ भी करने से आपका लॉक स्क्रीन में कुछ और ऑप्शन या एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता, जो है सिंगल पेज है, और ऐसे ही आपको लुक देखना मिलता है। अच्छा लॉक स्क्रीन, बट हाँ पुराना है, काफ़ी थीम्स पे पहले भी था ये लॉक स्क्रीन। हाँ, और ये थीम अभी फ्री है, अगर आपको चाहिए तो जाओ जल्दी से थीम स्टोर में जाओ, सर्च करो फ्रैंको, जैसे आपको स्पेलिंग देखने को मिलता है FRANCOO, सर्च करो और डाउनलोड करो फ्रैंको को, और बताओ कैसा लगा ये थीम, जो कि मेरे को पर्सनली इसका UI चेंजेस लुक काफ़ी अच्छा लगा। डाउनलोड मारना है जल्दी से, डाउनलोड मार लो पेड होने से पहले, क्योंकि आजकल थीम्स जो पेड हो चुका है ज़्यादातर, तो चलो डाउनलोड मारो और बताओ कैसा लगा थीम। आई होप आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आओगा। थीम पसंद आओ तो पता ही क्या करना है, डाउनलोड मारना है, और वीडियो पसंद आए तो चलो लाइक मारो, लाइक गेम 120 रखते हैं, कंप्लीट करो, चलो प्लीज़ कंप्लीट करो लाइक गेम, वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कॉमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट।